नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट टैरो में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स में जब आप देखेंगे देयर आर फोर सूट्स और हर सूट में जो है चार कोर्ट कार्ड्स हैं और ये चार कोर्ट कार्ड्स होते हैं पेज के, नाइट के, क्वीन के और किंग के। तो टोटल मिला के देयर आर 16 कोर्ट कार्ड्स और ये सारे के सारे जो कोर्ट कार्ड्स हैं अपने आप में बहुत ही यूनिक करेक्टर्स हैं। आप एक एक करेक्टर्स के डीप में जा सकते हैं और देख सकते हैं एक दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज विच द टैरो कार्ड इज स्पीकिंग अबाउट एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दीज कोर्ट कार्ड्स दीज फिगर्स दीज पर्सनालिटीज आर पार्ट ऑफ अस इज पार्ट ऑफ आर लाइफ। ये वो करेक्टर्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में आपको मिलते हैं एंड इनमें से आप एक हैं। So, the next time when you go deeper into a tarot card, when you go deeper into a court card, try to find out which is you. अगर आप गहरे में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप अपने आप को किस court card के साथ associate कर सकते हैं। So, आज जिस court card की मैं बात करने वाला हूँ वो है King of Wands. King of Wands के बारे में बात करने से पहले इसके keywords के बारे में बात करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कीवर्ड्स हैं पावर, एनर्जी, इंथ्यूजियाजम, एक्टिव, नेचुरल बॉर्न लीडर, विजन, एंटरप्रेन्योर। दीज आर ऑल सम वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का अगर हम पिक्चोरियल देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं किंग जो जिसने अपना वॉन्ड जो है अपने हाथ में लिया हुआ है एंड रिमेंबर वॉन्ड स्टैंड फॉर इंथ्यूजियाजम, एनर्जी एंड क्रिएटिव पावर। ये सेम वॉन्ड है जो कि मैजिशियन के हाथ में भी है और मैजिशियन के पास जिस तरह की ताकत है कि जिस तरह से वो उसके पास वो चार चॉइसेस हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास भी जो है ही हैज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ अचीविंग वॉट एवर ही वॉन्ट्स। यू कैन ऑलमोस्ट से यू नो लाइक अगर किंग ऑफ वॉन्ड जो है अपने आप के अंदर कुछ डिसाइड कर ले कुछ करने के लिए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ही विल कम आउट एज अ विनर। That's what the power of King of Wands is. क्योंकि सबसे पहले तो उसमें उसकी एनर्जी जो है इट्स लाइक ऑन द टॉप। तो जितने भी किंग्स हैं वो अपने आप में जो है वो टॉप लेवल शो करते हैं लाइक इट्स द एंड ऑफ द पावर यू नो समवेयर। एंड अगर आप किंग में देखेंगे तो उसने जो है रेड कलर का रोब पहना हुआ है विच सिग्निफाई लाइफ एंड ग्रोथ। और अगर आप उसका जो ऊपर का रोब देखेंगे दैट इज़ ग्रीन which signifies good health and आप ये भी देख सकते हैं उसके गले में जो है एक हार है जो signify करता है royalty के लिए। He is someone who likes to live his life in quality. और अगर हम उसके crown की बात करें तो उसका crown आप देखेंगे तो there is like a fire, it's the tongue of the fire which is shown on his crown, which basically means that he is like full of enthusiasm, like he is always ready to act. He is not someone, you know, who is going to sit idle. He is not one of those lazy people. He is going to do whatever is necessary. He is not someone who is going to be behind. He will be number one. He is also this, the King of Wands is also the card of the leader. Aur agar aap dhyan se dekhenge iske piche, there are like Salmador and there is also a lizard which is shown. Aur agar aap lizard ko dekhenge, this is another card. Jo humne ek ओरोबोरोस का सिंबल देखा था मैजिशियन के अंदर जिसके अंदर जो स्नेक है वो अपनी टंग खुद काट जो है वो खा रहा है जो कि सिंबल है लाइफ का एक कंटिन्यूएशन का जिसके अंदर जो है देर इज़ नो एंड टू लाइफ थिंग्स आर मूविंग। सेम इसमें भी जो है इसमें एक लिजर्ड शो किया गया है लिजर्ड विच इज़ ऑल्सो सिम्बलाइज द सेम दैट देर इज़ अ कंटिन्यूटी दैट देर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी विच इज़ शोन कि किंग ऑफ वॉन्ड को कभी भी एनर्जी की कमी नहीं पड़ती। जिसके पास भी ये कार्ड है जो भी ये कैरेक्टर है ही इज़ लाइक समवन हु इज़ वेरी पावरफुल एंड ही इज़ रेडी टू एक्ट। ये समझ लीजिए किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कर्म योगी है। इसका जो रास्ता है वो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसको उतना ही आनंद आता है जितना ये कर्म करता है। तो दिस इज समवन इट सो दिस किंग इज समवन द मोर एक्शन ही डू the more happiness he gets out of it. So the king of wand holds a blossoming wand in his hand
रिप्रेजेंटिंग लाइफ एंड क्रिएटिविटी. वॉन्ट्स जो एनर्जी होती है वो क्रिएटिविटी के लिए स्टैंड करती है. जब हम किंग ऑफ वॉन्ट्स की बात कर रहे हैं तो ही इज़ लाइक समवन हु इज़ लाइक ऑन द टॉप लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. हम इसको ऑलमोस्ट कंपेयर कर सकते हैं विंसेंट वैन गॉग से, मोने से, और या फिर कोई भी एक हायर लेवल का जो आर्टिस्ट है जिसकी क्रिएटिविटी जो है लाइक पीक पे है. सो किंग ऑफ वॉन्ट्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ वेरी फायरी एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी. और साथ में हम ये भी देखते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ट, क्योंकि उसकी प्योर फायर एनर्जी है, ही वॉन्ट्स टू चेंज द वर्ल्ड, ही इज़ अ नेचुरल बॉर्न लीडर. इफ़ ही थिंक्स ऑफ अ टास्क ही विल नेवर स्टॉप अनलेस एंड अंटिल ही फिनिशेस देम. तो जैसे कि मैंने पहले बात करी कि किंग ऑफ वॉन्ट्स जो है ही समवन यू नो विल नॉट स्टॉप अनलेस एंड अंटिल ही अचीव्स हिज एम. और लोग बहुत नेचुरली जो है इस किंग के आसपास जो इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक ही बिकम्स अ लीडर. फॉर द सिंपल रीज़न इज बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज विच ही हैज़, बिकॉज ऑफ हिज फायरी क्वालिटीज, बिकॉज ही इज़ द वन हु गिव्स कॉन्फिडेंस टू द अदर पीपल, बिकॉज ही बिलीव्स ही हैज़ दिस कॉन्फिडेंस दैट ही सीज दैट यू नो ही कैन गेट थिंग्स डन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पीपल यू नो ग्रेविटेट्स अराउंड हिम एंड दे बिलीव इन हिम एंड दे फील यू नो बिकॉज द किंग इज सेइंग, बिकॉज द किंग इज सेइंग दैट इट कैन बी डन, दे बिलीव इट एंड दे ट्रस्ट हिम. Because they have seen it also that whatever the king decides, he does it. तो अगर king of wand को देखें तो उसको challenges बहुत पसंद हैं. उसको आप जितने मर्जी challenges दे दीजिए, उसको जो है it's like an adrenaline rush for him. It gives him excitement. And the reason why he likes all this is because he has given up on his fear. He's someone who is ready to go on this roller coaster ride of life very easily. This is what he likes. This is what brings excitement. And without this, this king will just disappear. और एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, जो king की जो qualities हैं वो एक हमेशा एक right environment में ही जो है create होती हैं. It's because of the old karma, it's also because of the old pattern from where we are coming. तो एक king को जो है एक बहुत एक specific environment चाहिए, वो flowering चाहिए, उसी में वो grow कर पाएगा. जैसे for example, अगर हमने mango जो है अगर उगाना है तो उसके लिए हमें जो है एक बहुत स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए. मैंगो को आप कहीं पर भी उगाना चाहें तो नहीं उगा सकते. इसी तरह से कैरेक्टर्स भी इसी तरह से हैं कि दे नीड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ चैलेंज अराउंड, ओनली देन दे आर गोइंग टू ग्रो अप. एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स जो है हमें यही बताता है कि उसके आसपास जो है वो एक ऐसा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि दैट दिस इज़ हाउ ही सर्वाइव्स, दिस इज़ हाउ ही ग्रोज. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है किंग ऑफ वॉन्ट्स की, that he always performs at his best. Because he always performs at his best, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो उससे इतना इंस्पायर होते हैं कि वो that he becomes an inspiration. And because of that inspiration, उनके अंदर भी जो एनर्जी है वो भी क्रिएट होती है फायर की. तो आप ऐसा समझिए, when the king of wand is around you, power is such a source of inspiration and power, कि अगर आप जो हैं if you have a lazy nature, if you are trying to escape the karma, if you are trying to be lazy, he is someone who is going to shake you up and give his energy to you, and he is going to make you active. That's what the king of wands does to you. So the king of wands is always ready to accept the challenge no matter what. Bring him all the challenges, he takes them as an opportunity. King of wands usko opportunity ki tarah dekhta hai ki jitne bhi usko challenges de do, he loves it. अगर हम करियर की बात करें किंग ऑफ वॉन्ड की, तो ही इज समवन हु इज लाइक रेडी टू परफॉर्म एट हिज बेस्ट लेवल. दे आर द मोस्ट डिमांडेड पीपल, दीज आर द पीपल हु आर रिक्वायर्ड इन द सेल्स, दीज आर द पीपल हु ब्रिंग मनी टू द कंपनी, एंड दे आर द मोस्ट इन डिमांड एंड दे हैव द हाईएस्ट सैलरी. एंड ऑल्सो इफ द किंग ऑफ वॉन्ड्स डज समथिंग फॉर हिमसेल्फ फॉर हिज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ही विल बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, ही विल बी समवन यू नो हु विल बी एट द टॉप लेवल. अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, ही इज समवन हु इज़ अ वेरी एक्टिव लवर, ही ईजिली अट्रैक्ट्स वुमन अराउंड हिम बिकॉज ऑफ हिज लाइक हाई पोटेंशियल एनर्जी, ही हैज़ द पोटेंशियल ऑफ कीपिंग द रिलेशनशिप अलाइव, एंड वुमन लव्स टू बी अराउंड हिम. और अगर हम एक स्पिरिचुअल करेक्टर की बात करें किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक बहुत ही एक स्पेशल क्वालिटी है जो कि हम सबको चाहिए. अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो वहाँ पे फायर के बिना काम नहीं चलता. अगर आपने अपने आप को जलाया नहीं है, अगर आपने अपने आप को जो है पूरी तरह से प्रोसेस के अंदर नहीं डाला है, देन यू विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन दिस पाथ. द अल्टीमेट पाथ
the ultimate spirituality is such that you burn, you completely burn in the process of spirituality. And what happens in that? When you burn yourself, you become more and more alive. You become like a star. And that star is someone who gives and shares his energy to everyone. He becomes a big tree, the tree which gives shades to everyone. So, jate jate jo hai, there is a quote, a very beautiful quote for the King of Wands. और ये जो quote है, वो है गुरु पतंजलि का, जिन्होंने जो है योगा का निर्माण किया. और वो कहते हैं, when you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds. Your mind transcends limitations. Your consciousness expands in every direction. And you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive. And you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be. Such a beautiful quote by Guru Patanjali. वो कहते हैं कि जब तक कि आपने जो है अपने अंदर ये जो है अपने ऊर्जा को नहीं जगा लिया, तब तक आपकी लाइफ में जो है चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म नहीं होगी. सो ईच वन ऑफ अस नीड दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इन आर लाइफ, एंड आई विश दिस किंग ऑफ वॉन्ड एक्टिवेट्स इनसाइड ऑफ यू. यस, ही इज सिटिंग इनसाइड ऑफ यू एज अ सीड, एंड ऑल यू हैव टू डू इज एक्टिवेट इट सो दैट हिज मैजिक कैन स्टार्ट वर्किंग. दैट इज वॉट this beautiful card signify here. So I end my reading here. I hope you enjoyed this video. I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.